फासला और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिमाचल के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में प्रदेश के अन्य नगरों की भांति 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 के तहत स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जहां नगर के समस्त वार्डों में स्वच्छता कार्य किया जाएगा, वहीं पर शहरों के ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थलों में भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नगर पालिका कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने कहा कि इस स्वच्छता अभियान के तहत जहां नाहन नगर परिषद के 13 वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, वहीं नाहन शहर के ऐतिहासिक तालाब, बावड़ी, जल स्रोतों, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थलों को भी स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाएगा। स्वच्छता अभियान में नगर परिषद कर्मियों के अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों जिनमें नेहरू युवा केंद्र, NCC, NSS आदि भी शामिल है, शहर को स्वच्छ और निर्मल बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। संजय तोमर ने समस्त नगरजनों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देने का आग्रह किया। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से पूरे जो देश में मनाई जा रही है और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी इसको मनाया जा रहा है और नगर परिषद नाहन भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। इस स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत 17 सितंबर को नगर परिषद नाहन द्वारा गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल से रैली निकालकर शुरू की गई और जिसमें जो हमारे चेयरमैन है नगर परिषद के, उन्होंने इसका शुभारंभ किया और हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी है उन्होंने भी इसमें उनके साथ भागीदारी की और जितना भी कूड़ा इकट्ठा हुआ वो हमारी प्रोसेसिंग साइट पर भेजा गया। इसके अंतर्गत नगर परिषद नाहन द्वारा जो मेन मुद्दा रहेगा, जो हमारे तालाब है उनकी सफाई करना, यूथ को इसमें इन्वॉल्व करने का एक जो मेन मोटिव है इस बार रखा गया है, गार्बेज फ्री सिटी इस जो पखवाड़े का जो थीम है वो दी गई है और इसमें यूथ की भागीदारी का महत्वपूर्ण जो योगदान है वो रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें जो हमारा प्रयास रहेगा, जितने भी हमारे NSS के वॉलंटियर्स हैं, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स हैं या स्कूल के छात्र और छात्राएं हैं, उनको इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे को इंगेज करने का हमारा टारगेट रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।